हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजराती में स्टेप 4040 वो कर रहे हैं। 4040 में देखिए, यहाँ दिया है ब बने दीर्घ बूट। ओके, बूट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शूज़। अभी यहाँ दिया है ख जने दीर्घ जू र ख जू र खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट, डी ए टी ई, डेट। ओके, अभी यहीं लिखना है बूट बूट बूट, खजूर खजूर खजूर। नाउ सी, यहाँ दिया है रीड एंड राइट। धने दीर्घ धू धू धू, नने दीर्घ नू नू नू, पने दीर्घ पू पू पू, फने दीर्घ फू फू फू। उसके बाद देखिए, यहाँ सम ऑफ वर्ड दिए हैं, वो वर्ड को आपको रीड करना सीखना है। धने दीर्घ धू और धूर, सने दीर्घ सु और सूर, बने दीर्घ भूख भूख। ओके, दने दीर्घ दूध दूध, बने दीर्घ बूम बूम। नाउ वंस अगेन वी रीड इट, दूर सूर भूख दूध बूम। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पेज। अभी हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, स्टेप नंबर 4141 दिया हुआ है। यहाँ देखिए, धूप जल रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? धने दीर्घ धूप, धूप को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंसेंट। ओके, इसके बाद दिया है जने का नो जा, सने दीर्घ सूद जा सूद, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सू फ्लावर। ओके, अभी हम यहाँ देखते हैं धूप धूप धूप, जासूद जासूद जासूद, आपको बोल बोल के अच्छे से लिखना है। इसके बाद रीड एंड राइट, बने दीर्घ बू बू बू, बने दीर्घ बू बू बू, मने दीर्घ मू मू मू, यने दीर्घ यू यू यू, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखो, रीड एंड राइट सम ऑफ वर्ड हियर भी दिए हुए है। यहाँ देखो, जने दीर्घ जू थ, दने दीर्घ दू त, ये क्या है? बड़ा ऊ है, ऊ न, बने दीर्घ भू, कने दीर्घ की भू की, पने दीर्घ पू, रने दीर्घ री पूरी। ओके, नाउ वंस अगेन वी रीड इट, जूत दूध ऊन भूकी पूरी। ओके, अब आप कहीं से भी ऐसा कहें कि इसे क्या बोलेंगे, तो जूत, इसे क्या बोलेंगे? ऊन, इसे पूरी, इसे दूध, इसे बुके। इस तरह से कहीं से भी आपको पेंसिल पुट करके पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, डू रीडिंग प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।